वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल के लिए अपने पास पांच स्टॉक है, जिन पांच स्टॉक में हम लोग ट्रेड लेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस जगह पे एंट्री लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, कहाँ पे टारगेट रहेगा, और ट्रेड लेने का पीछे का रीजन भी जानेंगे। क्योंकि क्या होता है, जब तक आप रीजन नहीं जानेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रीजन को जान लेते हैं कि क्यों वहां पे ट्रेड ले रहे हैं। सबसे पहला नंबर स्टॉक है अपने पास अजंता फार्मा, एंड इसको वन डे के चार्ट के हिसाब से हम इसको ट्रेड में रखे हैं कल। और वन डे का चार्ट अगर इसको देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस जोन को फॉलो कर रहा था, मींस यहाँ से ट्रेड लाइन को फॉलो करके नीचे गिरा। ये ट्रेड लाइन एक रेसिस्टेंस जोन भी मानेंगे जहां से रिवर्सल आ रहा है। तो इस जगह से मार्केट एक बार नीचे गिरा था, वापस यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, वापस वहीं से मार्केट में रिवर्सल आया। बट जिस दिन मार्केट इस रेंज को ब्रेक करने का कोशिश किया था, ये ट्रेड लाइन जो है उसके ऊपर जब क्लोजिंग देने का कोशिश किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, बट यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ। इसलिए कैंडल क्लोजिंग का वेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कंसोलिडेशन चाहिए अपने को। तो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया, मार्केट नीचे गिर गया, हालांकि वॉल्यूम आया था। लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, इसलिए हम लोग कभी भी ब्रेकआउट जब आता है तो संशय ट्रेड नहीं लेते, कंफर्मेशन के बाद ही हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब क्या हुआ कि ये जो ट्रेड लाइन था, इस ट्रेड लाइन को मार्केट यहाँ पे ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो ब्रेकआउट आ चुका है। मार्केट एक रेंज क्रिएट को चक्कर चुका है, मतलब रेंज जब बन जाता है ना ट्रेड लाइन ब्रेकआउट के बाद, तो एक बहुत अच्छा कंफर्मेशन होता है कि अपसाइड मूव देखने को मिला, क्योंकि ये ट्रेड लाइन अब इसका सपोर्ट बन गया है। जब भी मार्केट इस जगह पे आएगा तो ये सपोर्ट का ऐसा काम करेगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, बाइंग प्रेशर आएगा, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वापस यहाँ आएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक स्टॉप लॉस लगाने का बहुत बेहतर जगह है, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्केट जब भी नीचे आएगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो 2256 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री पॉइंट इस हाई के ऊपर लेंगे, क्योंकि लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बड़ा सा कैंडल बनेगा, तो हम लोग प्रॉपर वेट करेंगे कैंडल क्लोजिंग का। जब तक कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलेगा हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। तो वेट करना है 2323 के ऊपर, अगर अजंता फार्मा क्लोज दे देता है कल कैंडल तो बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 2256 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 2401 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 2473। ये दो टारगेट हम लोग को एक दो तीन दिन के अंदर में देखने को मिल जाएगा। एंड अभी अगर वीडियो देख रहे हैं तो संग संग लाइक बटन दबा दीजिए, वरना आप वीडियो देखते देखते खो जाएंगे और आप लाइक बटन भी नहीं दबाएगा। कमेंट में जरूर से बताइएगा कैसा वीडियो लगा, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक से यूट्यूब उस चीज को और दूसरों तक पहुंचा देता है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि कोई वैल्यूएबल चीज शेयर हो रहा है यूट्यूब में, तो वो लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इससे हमको थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा। एंड जो लोग चैनल पे नए वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूले, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो हम आप लोगों के लिए डेली लाते हैं। एंड सेकेंड नंबर स्टॉक है अपने पास एंड्योरेंस, एंड एंड्योरेंस एक ट्रेड को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, मीन्स ये जो ट्रेड लाइन है बड़े से ट्रेड लाइन छोटा होता गया। जब भी बड़े से छोटा होगा तो आपका स्टॉप लॉस एकदम से छोटा पॉइंट बनता है। मतलब हम लोग स्टॉक मार्केट में जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम लोग यही सोचते हैं कि एक छोटा स्टॉप लॉस एक बड़ा टारगेट, जहां पे एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस होता है मतलब आपका 2-5 रुपये डूब जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों को। बट 2-5 रुपये डूबने के जगह पे अगर आपको 10-20-25 रुपये मिले तो आप 5 रुपये डुबाने के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे डूब नहीं रहा, क्योंकि आप यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले रहे हैं, मीन्स आप यहाँ पे कंफर्मेशन इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज कर रहे हैं, तब जाके यहाँ पे ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल अपने यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़ा है, तो हम लोग वेट करेंगे कि एंड्योरेंस टेक 1705 के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर इसके ऊपर कैंडल बन जाता है तो अपने को फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा 1763 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 1814 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1668। इन केस मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे गिरता है तो यहां तक मार्केट आएगा तो स्टॉप लॉस हिट होगा, आप एग्जिट कर दीजिएगा। इसको पकड़ के नहीं रखना है कि हम इसको होल्ड करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ये वरना और नीचे गिरेगा आपका लॉसेस बढ़ जाएगा, तो ये गलती नहीं करना है। जहां तक लॉस है वहीं तक लॉस लेके निकल जाएंगे। थर्ड नंबर पे है अपने पास इंडिया मार्ट, एंड इंडिया मार्ट को देखेंगे तो ये एक ट्रेड लाइन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हुए, मीन्स बहुत दिन से आपका ओवरऑल 17 नवंबर से ये कंस्टेंट नीचे गिर रहा है इस ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए। एंड यहाँ पे 3 दिन पहले इस ट्रेड लाइन को ये ब्रेक कर चुका है, ब्रेक करने के बाद मार्केट रेंज क्रिएट कर चुका है, मार्केट नीचे तो आ रहा है बट देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ करें तो
तो वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, ये ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। बट जैसे ही मार्केट ऊपर के साइड जाएगा ना, आप देखिएगा वॉल्यूम में चेंजेस आएगा, वॉल्यूम भी ऊपर के साइड जाने लगेगा। तो ये हमेशा नोटिस करना है कि आपका मार्केट अगर नीचे गिरता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। नीचे गिर रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, मतलब मार्केट नीचे नहीं जाना चाहता। तो ओवरऑल वॉल्यूम से एक चीज हम लोग को पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाना चाहता है, तो हम लोग इसमें अपसाइड ट्रेड लेने का कोशिश करेंगे। यानी कि ये अगर हाई, प्रीवियस हाई जहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इसको अगर मार्केट कल ब्रेक करता है तो हम लोग बाई करेंगे। 6901 के ऊपर अगर कैंडल बन जाता है तो बाई करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 6636 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 7234 का, एंड फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकेंड टारगेट रहेगा 7894। यहाँ तक का अपने को टारगेट देखने को मिलेगा 3-4 दिन के अंदर में। ये नहीं कि संग संग टारगेट अचीव हो जाए, बहुत बार हो जाता है, बहुत बार टाइम लगता है। तो ओवरऑल आपको इतना दिमाग में रखना है कि इंट्राडे में टारगेट अचीव नहीं होगा। तो आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं, आप जितना रिस्क लिए हैं उतना 1:1 का अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा था, आप कोशिश कीजिए बुक कर लेने का। फोर्थ नंबर स्टॉक है अपने पास नवीन फ्लोराइन, एंड इसको हम लोग फ्राइडे में भी रखे थे, बट फ्राइडे को थोड़ा सा मूव मिलने के बाद मार्केट इसमें सरवाइव नहीं कर पाया। ओवरऑल स्टॉप लॉस भी अपना हिट नहीं हुआ, हम लोग बचे हुए हैं। तो अभी भी ट्रेड एक्टिव है, एंड अब ट्रेड लाइन के नीचे था, अब ट्रेड लाइन के ऊपर में 2 दिन ट्रेड कर चुका। कल ये कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेड होते हुए 2 बजे 3 बजे के बाद में या फिर मॉर्निंग में ही ये गैप अप होके ब्रेक कर दे, चांसेस ज्यादा रहेगा इसमें देखिएगा गैप अप होने का। तो 4277 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोजिंग दे देता है बाई कर लेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4125 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 4500 का, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 4637। यहाँ तक का टारगेट अपने को देखने को मिलेगा। एंड फिफ्थ नंबर पे है IDFC फर्स्ट बैंक, एंड इसको हम लोग एक डाउन साइड में लिए क्योंकि ट्रेंड अगर बाई चांस नेगेटिव रहता है, मार्केट अगर नेगेटिव साइड आपको इंडिकेशन मिलता है तो आप शॉर्ट करने का कोशिश किया, क्योंकि ट्रेंड के साथ चलना जरूरी है। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट साइड में एक स्टॉक रख गए ताकि अगर बाय चांस मार्केट नेगेटिव होता है तो अपने पास नेगेटिव साइड का भी स्टॉक रहे, इस पे हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो IDFC फर्स्ट बैंक यहाँ पे देखिए इस रेंज में था, एंड बार बार ये ऊपर जाके नीचे ही गिर जा रहा है। अगर IDFC कल इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, जहां से मार्केट बार बार ऊपर चल जा रहा है, एक बार यहाँ से ऊपर गया वापस, यहाँ से ऊपर गया वापस, एक रेंज ये क्रिएट कर चुका है। अगर हम लोग इसको इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो आपको देखिएगा कि ये ओवरऑल एक रेंज ऐसे बना दिया है जिस रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है, एंड ब्रेकडाउन जहाँ पे है ट्रेड लाइन, इस ट्रेड लाइन के बाद में एक रेंज क्रिएट कर रहा है। तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे जाएगा। और इन केस मार्केट अगर ऊपर भी जाता है तो आपका स्टॉप लॉस है आपको बचाने के लिए, आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा। मार्केट रिवर्स होता है तो यहीं पर हम लोग एग्जिट कर देंगे। तो एंट्री पॉइंट रहेगा 49 रुपीज के नीचे, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा कल कैंडल तो हम लोग इसको सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 50.22 पैसा का, फर्स्ट टारगेट रहेगा 48 रुपया 25 पैसा, एंड सेकंड टारगेट रहेगा 46.25 पैसा। थोड़ा इतना ज्यादा बोल दिया है तो थोड़ा प्रोनाउंस करने में भी दिक्कत हो जा रहा है। और एक चीज हम इसमें शेयर करेंगे कि मार्केट एक यहाँ पे लो बनाने के बाद हाई बनाया था, एंड यहाँ से रिवर्सल आ रहा है। अगर इस कैंडल के नीचे ये अगर क्लोजिंग दे देता है, ये स्टॉप लॉस को आप मॉडिफाइड करके यहाँ पे ला सकते हैं 49.50 पैसा के पास में। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हैं, बट इसको तभी मॉडिफाइड कीजिएगा जब ये कैंडल के नीचे ये क्लोजिंग दे दे। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए, स्टार्टिंग में कर देंगे तो बहुत अच्छा बात है, एंड नहीं किए हैं तो अभी यहाँ पे लाइक करके जाइएगा, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो मुझे वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर बार की तरह इस बार भी हम लास्ट में यही बोलेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्वांटिटी अपने लॉस के हिसाब से डिसाइड करेंगे। 500 लॉस लेने का कैपेसिटी है तो क्वांटिटी उसी हिसाब से लेंगे कि 500 से ज्यादा अपने को लॉस ना हो। कैपिटल का 2 से 5% एक दिन में डूबेगा, फिर भी अपने पास बहुत पैसा रहेगा उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन एक दिन में सारा पैसा डुबा देंगे तो फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हम लोग का लाइफ में वो इफेक्ट डालेगा। तो थैंक यू, एंड ये की पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, एक या दो ही ट्रेड में आप एंट्री लीजिएगा, सब में ट्रेड लेने का जरूरत नहीं है, जिसमें ब्रेकआउट है उसमें ट्रेड लीजिएगा ज्यादा बेहतर रहेगा। एंड बस थैंक यू।